how we can confirm that the earth stayed in superheated or in subcooled or in saturated region. तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि किस रीजन में हमारा, तो क्या करेंगे, देखिए पीवी या टीए डायग्राम आपका जो होगा, अगर बात करते हैं टीएस डायग्राम की, तो टीएस डायग्राम विल बी लाइक दिस। अब ये आपका डोम है, अब ये लाइन जो है, ये बताया था आपको कि ये कौन सी लाइन होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये जो होगी, ये होगी आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब ये रीजन जो होगा इसके बाहर, यहाँ पे ये रीजन जो है, ये कौन सा रीजन होगा, ये होगा आपका सुपर हीटेड रीजन। सुपर तो सुपर हीटेड क्यों होगा, ये भी हमने देखा था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लिख देता हूँ पहले ताकि आपको मालूम चले कि कहाँ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये है आपका सुपर हीटेड, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, सब कूल्ड रीजन, और ये हो जाएगा आपका वेट रीजन, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया, देखिए ये है आपका अगर टी एस डायग्राम, अब ये टी एस डायग्राम में जो आपको ये दिख रहा डोम, ये डोम कहाँ से आया, ये डोम ऐसे आ, देखिए अगर आपके पास क्या है, वन के जी वाटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 kg वाटर आपके पास है जिसका टेम्परेचर इनिशियल कितना 10 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है और टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको हीटिंग करना स्टार्ट करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीटिंग करना स्टार्ट करोगे तो देखो टी एस के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो टेम्परेचर और एंट्रोपी, तो अब अगर वाटर को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, सबको ये क्लियर है। अगर हम वाटर की हीटिंग स्टार्ट करेंगे देन इट्स टेम्परेचर विल राइज, और व्हाट विल बी अबाउट, व्हाट विल बी एंट्रोपी, अगर वाटर को हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसकी एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, क्या होगी, बोलो, बोलते रहो आंसर देते रहो बीच में ताकि ये लगे कि हाँ समझ में आ रहा कुछ। अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो उसकी एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी सर, इंक्रीज होगी, इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ये हमने देखा था उसी टीडीएस इक्वेशन से देख लिया था हमने। तो देखेंगे कि अभी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसको, वाटर को, वाटर को हीट सप्लाई कर रहे हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये अभी इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है वो, ठीक है। अब जब हीट सप्लाई होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, सबको पता है हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो लाइन कैसी होगी, इस टी एस डायग्राम पे अगर देखेंगे, इस टी एस डायग्राम पे तो ऐसी लाइन बनानी है कि जिससे उसका टेम्परेचर भी बढ़े और एंट्रोपी भी बढ़े। तो अगर देखिए ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एंट्रोपी। तो उसके बीच में लेंगे कोई लाइन ऐसी, ऐसी लाइन कुछ होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। प्रेशर क्या होगा इसका, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन ये क्या लाइन, क्या इंक्लाइंड आपको दिख रही है, वही जो हम पीवी डायग्राम पे देख रहे थे, तो पीवी पर हमारा क्या था, पीवी पर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल थी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी पीवी पे, बट ऑन टीएस डायग्राम देखेंगे, टीएस पे क्या होगा, टीएस पे आपका कुछ इंक्लाइंड होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टीएस पे देख रहे हैं, तो लाइन ऐसी होगी। तो ये लाइन ऐसी कैसी होगी, जैसे कि आपने
यहाँ से एट पॉइंट वन से आपने स्टार्ट किया हीटिंग करना, तो हीट सप्लाई करते जा रहे हैं आप, हीट इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो वाटर क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, मीन्स अब वो किस कंडीशन हो जाएगा, अब वो अपना फेज चेंज करने की कंडीशन में हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर वो सब्सटेंस अब अपने स्टेट को चेंज करने की कंडीशन में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, सेचुरेटेड लिक्विड होगा या सेचुरेटेड वेपर होगा, ये पॉइंट देखिए, सेचुरेटेड लिक्विड, अभी ये लिक्विड है ना, ये तो लिक्विड सेचुरेट हुआ, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लिक्विड सेचुरेट हुआ, वेपर भी सेचुरेट नहीं हुआ, अभी वेपर तो भी बना ही नहीं है, इसको बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। ये क्यों, देखिए ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे टी एस डायग्राम में देखिए जो बना हुआ डोम, यही वाली लाइन है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, क्योंकि इस पॉइंट पर जो अभी क्या लिक्विड ही है, लेकिन वो अब सेचुरेट है, पूरा सेचुरेट हो चुका है, अब उसको थोड़ा सा भी अगर हीट सप्लाई करोगे देन इट विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स फेज, वो अपना फेज चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो जब फेज चेंज स्टार्ट कर देगा, आप देखिए यहाँ पे आ गए हम टू पर, टू पे आ गए, अब पॉइंट नंबर टू पे क्या होगा, अभी पूरा सेचुरेट हो गया, अब जब सेचुरेट हो गया तो वो क्या करेगा, अब उसको हीट सप्लाई करेगा तो फेज चेंज होगा, तो फेज जब चेंज होता है तो आपको पता होगा कि जब फेज चेंज होगा तो यानी वो हीट लेगा लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो हीट कहाँ जा रहा है, उसके फेज को चेंज करने में जा रहा है, यानी उसके लेटेंट हीट में जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, बट एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, बिकॉज वी आर सप्लाइंग द हीट टू द सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस को हीट सप्लाई करें देन इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज, बट इसका फेज चेंज हो रहा है इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जब तक इसका फेज चेंज नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। जैसे कि हम वाटर को जब बॉयल करते हैं पैन में, तो जब वो 100 पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसके बाद वो उसका पूरा इवेपोरेशन होता है, पूरा वो इवेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड आपका पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर 100.001 नहीं होगा, 100 ही रहेगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता वो। तो क्या होगा, अब ये लाइन देखिए होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल, अब ये कहां पे आएगा, अब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, अब ये पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो गया, अब वेपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आता है तीन पॉइंट नंबर थ्री पे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड था वो हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया, अब ये हो गया पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जब पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या करोगे, अब वो लिक्विड अब यहाँ पे है ही नहीं, अब यहाँ पे इस पॉइंट क्या हो गया, पूरा का पूरा वेपर हो गया, अब इस वेपर को और हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, उस वेपर का सुपर हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस वेपर का सुपर हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो जब सुपर हीटिंग, यानी कि उस वेपर का टेम्परेचर अब इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अब उसका इंक्रीज करेगा, और एंट्रोपी तो इंक्रीज करेगी करेगी, क्योंकि वी आर सप्लाइंग द हीट टू द सब्सटेंस, सो लाइन कैसी होगी, लाइन विल बी व्हाट इज इंक्लाइंड, ठीक है, तो मान लीजिए आप अगर एट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे मान लीजिए 120 150 कुछ भी है, ये पॉइंट नंबर फोर, ठीक है, तो ये प्रेशर, ये देखिए अब प्रेशर क्या होगा, इस लाइन का, इस पूरे लाइन का प्रेशर क्या होगा, इस पूरे लाइन का 1, 2, 3, 4 तक की जो लाइन बनाया है हमने, इसका जो प्रेशर होगा वो कॉन्स्टेंट है, हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया, हमने प्रेशर के बारे में कोई बात ही नहीं की अभी, तो प्रेशर क्या कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि ये 1 atm की लाइन है, P = 1 atm, ठीक है, तो ये 1 atmospheric प्रेशर की लाइन है। अब अगर जो हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर को चेंज कर देते हैं, अब प्रेशर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा देखेंगे, अगर प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, प्रेशर को हमने अगर बढ़ा दिया तो देखेंगे, अब ये इससे प्रेशर ज्यादा होगा तो इससे लाइन इसकी ऊपर होगी, यहाँ कहीं होगी, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अब ये पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट किया तो अब ये क्या होगी, इसकी हीटिंग होगी, हीटिंग होगी, इसकी हीटिंग होगी, फिर इसका भी कुछ एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा, इसका भी क्या आएगा, एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है, और ये सेचुरेशन पॉइंट देखिए क्या होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा, पहले वाले से ज्यादा होगा या कम होगा, तो हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर जो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उस प्रेशर जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घट रहा है तो सेचुरेशन टेम्परेचर घटेगा, तो यहाँ पे हमने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर वो भी बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया तो देखिए अभी इसके लिए अगर देखेंगे जो पहले वाले का सेचुरेशन टेम्परेचर है
वो कहाँ होगा, वो कहीं यहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन इसका सेचुरेशन पॉइंट दूसरे वाले का यहाँ पे है ऊपर, क्यों इससे ऊपर चला गया, क्योंकि इसका प्रेशर भी बढ़ गया, इसलिए इसका सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसकी क्या होगी, फेज चेंज होगी, अब और हीट सप्लाई करोगे तो इसका क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कहीं यहां तक आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद, अब जब पहुंच जाएगा पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उस वेपर की क्या होगी, सुपर हीटिंग होगी, तो कुछ ये आएगा ऐसे लाइन, ठीक है। तो ये P इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर हो गया, प्रेशर बढ़ा दिया हमने। ये डोम कैसे बना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर जो प्रेशर को हम घटा देते हैं, अगर प्रेशर को घटा देंगे तो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, वो भी घट जाएगा, सेचुरेशन टेम्परेचर घट जाएगा। तो अगर जो प्रेशर को हमने रख दिया 0.5 बार, हमने प्रेशर को रख दिया 0.5 बार, तो अब इसका सेचुरेशन टेम्परेचर कहीं आएगा, सेचुरेशन टेम्परेचर कहीं आएगा, ठीक है, उससे कम होगा इस वाले से, तो अब ये ऐसे फेज चेंज होता रहेगा और कहीं यहाँ जाएगा, फिर सेचुरेटेड वेपर पूरा हो जाएगा। और इसको हम सेचुरेटेड वेपर क्यों बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को सेचुरेटेड वेपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेपर है उस वेपर से थोड़ा सा भी अगर हीट हम रिजेक्ट करेंगे, जैसे अभी हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्या वेपर में कन्वर्ट जा रहा है, और यहां से अगर हम थोड़ा सा भी हीट को रिजेक्ट करेंगे तो ये वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा। इसके बीच में क्या है, 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड और वेपर है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ से अभी लिक्विड पूरा है, पॉइंट नंबर 2 पे पूरा का पूरा लिक्विड है। अब जब और हीट सप्लाई कर रहा था तो वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि उसी पॉइंट पे पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते धीरे 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 क्या होगा, पूरा लिक्विड पॉइंट नंबर 3 पे पहुंचते हुए वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ पे कन्वर्ट होगा, देखिए पॉइंट नंबर 3 है, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी हीट अगर रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, फिर से वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से उसमें लिक्विड के पार्टिकल आ जाएंगे, तो इसलिए उस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर, यानी कि जो वेपर है वो पूरा सेचुरेटेड कंडीशन में, अगर थोड़ा सा और हीट को रिजेक्ट कर दिया वहां से तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेचुरेटेड वेपर। यहाँ पे क्या है, वेपर है, अभी अगर 4 से 3 आ रहा है, उल्टा आ रहा है 4 से, यहाँ पे क्या पूरा का पूरा वेपर है, पूरा का पूरा वेपर है, वेपर है, वेपर है, देखिए, और ये वेपर अगर जो और थोड़ा सा हीट रिजेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 से 3, अगर उल्टे आ रहे हो तो देखो, तो 4 से अगर हीट को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा घटेगा घटेगा, और एक स्टेट ऐसा आएगा पॉइंट नंबर 3 कि जहां पर थोड़ा सा भी अगर और हीट आगे रिजेक्ट करना स्टार्ट किया आपने तो वहां से उसका फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो वेपर था वो अब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सेचुरेटेड वेपर पॉइंट। तो अब देखेंगे कि ये डोम कैसा है, तो अब हम क्या करते हैं, एट डिफरेंट प्रेशर पे जितने हमको सेचुरेटेड पॉइंट मिले, सेचुरेटेड वेपर पॉइंट और सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट जो मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, उनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये जितने हैं सेचुरेटेड लिक्विड वाले पॉइंट एट डिफरेंट प्रेशर, उनको हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, उनको हम कर रहे हैं ज्वाइन। तो देखिए ये ऐसे कुछ आएगा, और सेचुरेटेड वेपर को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर और प्रेशर लाइन बनाओगे तो आपको ऐसे ऊपर मिलता जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्रेशर आपने इतना बढ़ा दिया कि उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो लिक्विड था वो वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस पॉइंट को हम ड्रॉ करें तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट, यही पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, सबसे टॉप पे रहता है, जो जहां पर आपकी ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन दोनों जाकर के मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया है, क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो लिक्विड होगा वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी अमाउंट ऑफ द लेटेंट हीट, और ये क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये क्या है, सेचुरेटेड वेपर लाइन, और ये डायग्राम किसके बीच बनाया, टी और एस के बीच बनाया, इसके बीच बनाया, टी और एस के बीच में बनाया, तो इसको बोलो टी एस डायग्राम, पीवी डायग्राम तो हमने
पिछले लेक्चर में देख लिया, पीवी डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, ये हो गया आपका टी एस डायग्राम, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब अगर जो आपको चेक करना है कि आपका जो गिवन स्टेट है, अगर हम बात करते हैं, गिवन स्टेट आपको दिया हुआ है स्टेट वन, कोई स्टेट वन आप एग्जांपल एज एग्जांपल लेते हो, उसका प्रेशर कितना है, टी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर एंड टी इज इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको बताना है कि ये पॉइंट कहां पर होगा। इस देखो अब ये एक कोई 2D प्लेन दिख रहा है आपको, 2D प्लेन यानी कि TS डायग्राम। अब इस प्लेन में आपका ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये पॉइंट जो आपको गिवन है ये कहां पर लाई करेगा इस 2D प्लेन में, इस TS डायग्राम में कहां पर लाई करेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे पहला ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर दिया है तो उसको हमें देखना कहाँ पर, इस लाइन को, इस लाइन पे देखना, सैचुरेटेड लाइन पे देखना है। अगर वो सैचुरेटेड लाइन के लेफ्ट में है तो क्या होगा, वो सबकूल्ड होगा, और सैचुरेटेड लाइन के अगर राइट में है तो क्या होगा, सुपर हीटेड होगा। देखिए यही सब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और यही सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो आप सैचुरेटेड पॉइंट देखिए कहाँ पर है उस प्रेशर करस्पॉन्डिंग। तो आपको दिया पी इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर, तो पी इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर की लाइन ये होगी, बीच वाली लाइन जो आपको दिख रही है, तो ये लाइन है हमारे पास। अब हमें देखना है कि इस प्रेशर पर सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना। तो ये हम कहां से देखेंगे, ये हम स्टीम टेबल्स देखेंगे कि इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है। तो यही है आपका सेचुरेशन टेम्परेचर, जहां पर उसका फेज चेंज हो रहा है, यानी कि जहां पर सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन है। तो ये जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, यही है सेचुरेटेड लाइन, यानी कि इस सेचुरेटेड लाइन के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे टी सेचुरेशन। तो आपको स्टीम टेबल में मैंने कल बताया था कि दो तरह से वैल्यू देखने को है। देखिए ये है आपका स्टीम टेबल, तो देखिए एक था यहां पर सेचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, प्रेशर टेबल और टेम्परेचर टेबल। प्रेशर टेबल में क्या होगा, प्रेशर टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो किसका होगा, प्रेशर का होगा। तो अगर आपको वो वैल्यू जो ढूंढनी है प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग, तो प्रेशर टेबल में देखेंगे, क्योंकि आपको पहले कॉलम में क्या मिल जाएगा, प्रेशर, तो इसलिए आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग आपको सेचुरेशन प्रेशर देखना है, तो फिर आपको कहाँ पर देखना होगा, ये इसके नीचे दिया होगा टेम्परेचर वाला टेबल, इसके ऊपर है, सॉरी, देखिए सेचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल, ठीक है। तो हमें किस में देखना है, प्रेशर में, हमें 1 एटमॉस्फियर प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग क्या देखना, सेचुरेशन टेम्परेचर देखना हमें। तो ये देखेंगे कि ये प्रेशर टेबल है, प्रेशर टेबल में क्या होगा, पहले कॉलम में क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर में क्या देखना है हमें, देखना 1 एटमॉस्फियर। तो 1 एटमॉस्फियर देखेंगे कितना होगा, ये जो वैल्यू दी हुई है प्रेशर की, ये दी किलो पास्कल में, यानी कि यहाँ पर 101.325 किलो पास्कल, ये है 101.325 किलो पास्कल, यानी कि यही है आपका 1 एटमॉस्फियर। 1 एटमॉस्फियर पर सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, कितना 99.97, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ये है नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो गिवन प्रेशर है आपका, जो गिवन प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, उस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो टी सेट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर की लाइन जो हो गई ये 100 डिग्री सेल्सियस की लाइन हो गई, और आपको जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि 120 कहाँ होगा बताइए, ये 120 इस डोम के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, कहां पर होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, देखिए अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको क्या देखना, आपका ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन है, 1, 2, 3, 4 वाली लाइन जो है, ये 1-2-3-4 वाली लाइन कौन सी है, 2 एटमॉस्फेयर वाली है,
1 double dash 2 double dash 3 double dash और 4 double dash वाली लाइन कौन सी है, ये आपकी P इज इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर। तो हमें किसमें देखना, 1 एटमॉस्फेयर वाले में देखना। तो 1 एटमॉस्फेयर वाले लाइन में देखना जब, तो 2 से जब और लेफ्ट में आओगे तो इस प्रेशर पे देखोगे कि जो टेम्परेचर की वैल्यू वो घट रही है, क्या इस प्रेशर पे टेम्परेचर की वैल्यू घट रही है, यानी कि 100 से नीचे आ रहे हो आप। आपको कहाँ देखना है, 120 कहाँ होगा, जब आप इसके टेम्परेचर को और बढ़ाओगे और हीट सप्लाई करोगे, देखेंगे कि जब सेचुरेटेड वेपर लाइन से ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ कहीं आपको दिखेगा कि इस पॉइंट पर क्या आपका 125 है डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको यहाँ पर कहीं। तो इस रीजन में आपको मिल रहा है ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है सुपर हीटेड रीजन। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही लिखा, ये है आपका सुपर हीटेड रीजन। यानी कि अब हमें बस हमने अभी क्या किया, अभी तक हमने केवल आइडेंटिफाई किया कि जो गिवन पॉइंट था स्टेट वन वो पॉइंट किस रीजन में लाई कर रहा है, सुपर हीटेड सबकूल या वेट रीजन। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सुपर हीटेड रीजन में है। तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रेशर के रेस्पॉन्डिंग अगर जो उसका टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो टेम्परेचर उस प्रेशर के रेस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर, उस सेचुरेशन टेम्परेचर से अगर ज्यादा होगा टेम्परेचर तो कहाँ हो जाएगा, सुपर हीटेड में। उस सेचुरेशन से कम होगा तो कहाँ जाएगा, सबकूल्ड में। अगर वही टेम्परेचर दिया होता 98, तो 98 क्या होता, इस 100 से कम होता तो यहाँ कहीं लाई करता, इस वाले पॉइंट पर लाई करता, इस वाले पॉइंट पर लाई करता, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पर आता, ये पॉइंट आता आपका सबकूल्ड रीजन में। तो हमें अब वैल्यू जो चेक करनी होती, जो वैल्यू हमें देखना होता, जो प्रॉपर्टी देखनी होती, वो हम कहाँ देखते, सबकूल्ड वाले टेबल में देखना होगा। अभी हमें किस में देखना होगा, सुपर हीटेड वाले में देखना होगा। तो बस हमें इस टेबल से क्या मिला, हमें बस ये मिला कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमें चेक करने के लिए कि आपका पॉइंट किस स्टेट में है, सुपर हीटेड में या सबकूल्ड में या सैचुरेटेड में है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सैचुरेटेड वाले में ही आना है। हमें सैचुरेटेड टेबल में ही खोजना, क्योंकि सैचुरेटेड के लेफ्ट में है या सैचुरेटेड से कम में है तो कहाँ चला जाएगा, सबकूल्ड में। सैचुरेटेड से ऊपर जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है, यानी सुपर हीटेड में। तो बीच वाला क्या है, सब सैचुरेटेड है, बीच वाला स्टेट क्या है, सैचुरेटेड है। तो हम सैचुरेटेड को ही हमेशा रेफरेंस लेकर के चेक करेंगे। तो सैचुरेटेड टेबल देखिए, सबसे पहले आपको सैचुरेटेड वाटर ही दिया हुआ, तो सैचुरेटेड वाटर वाले में ही हमें चेक करना है कि आपका पॉइंट किसमें है। इसके हेल्प से हम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस स्टेट में है। अब हमें मालूम चल गया कि हमारा जो पॉइंट था वो दिया हुआ वो किसमें, सुपर हीटेड रीजन में। तो हम आएंगे अब वो सुपर हीटेड वाले टेबल में। देखिए सुपर हीटेड वाटर टेबल, तो प्रेशर टेबल है। प्रेशर टेबल मीन्स कि आपको प्रेशर दिया हुआ है और उस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको वैल्यूज दी हुई होंगी। जैसे कि यहाँ देखेंगे ये सैचुरेटेड है, सुपर हीटेड। देखिए सुपर हीटेड में अब ये प्रेशर दिया हुआ आपको, ये प्रेशर, इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो हमें वो सुपर हीटेड में हमें सबसे पहले वो वाला टेबल देखना है कि जहां पर आपका प्रेशर क्या है, 1 bar है। 1 bar मीन्स की 0.1 मेगापास्कल, 1 bar मीन्स 0.1 मेगापास्कल। तो यही वाला आपका टेबल हो जाएगा, यही वाला टेबल आपका हो जाएगा, यानी कि ये वाला रीजन है, इसी में आपकी वैल्यूज दी हुई है। अब इसमें देखना कि आपको 120 की जो टेम्परेचर वो कहाँ पर है। तो यहाँ देखेंगे, अब टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में क्या लिखा, टेम्परेचर लिखा हुआ। तो यहीं से टेम्परेचर देखना हमको। तो यहाँ पर हमें देखना कि 50 के बाद कितना, 100 है, 100 के बाद कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ है, 120 नहीं दिया हुआ। तो लेट्स वो भी हम देखेंगे कि 150 कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें लगाना होगा लीनियर इंटरपोलेशन, बट फॉर द सिंपलिसिटी अभी एज ए इंट्रोडक्शन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू एट 150 डिग्री सेल्सियस। अगर वही 120 की जगह पे क्या होगा, 120 की जगह पर यही जो 120 है इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ जो था ये कहीं यहाँ आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो कहाँ होगा, वो सुपर हीटेड में होगा। अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दोगे वो हमेशा कहाँ होगा, उस प्रेशर पे, वो उस प्रेशर पे हमेशा सुपर हीटेड रीजन में ही होगा। तो हमें कहाँ देखना होगा, सुपर हीटेड वाले में ही वैल्यूज को देखना होगा। तो ये हमारे पास टेबल है, तो 150 के करेस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारी इनथैल्पी कितनी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, एंट्रोपी कितनी है। तो वो सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम,
उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। देन इट्स गिवन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की यूनिट किसमें है, किलो जूल पर केजी। देन इंथैल्पी इन किलो जूल पर केजी। देन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये चार वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज लिख सकते हो। तो 150 के करेस्पॉन्डिंग देखेंगे 150 वाली लाइन कौन सी होगी, ये 150 वाली लाइन ये है और आपका टेबल ये है, 0.1 मेगापास्कल वाला आपका टेबल है। अब इसमें देखेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1.9367। इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2582.9। एच की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक इंथैल्पी की वैल्यू 2776.6 किलो जूल पर केजी और स्पेसिफिक एंट्रोपी की वैल्यू 7.6148 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे उस प्रेशर और उस टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए। अब एक डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दी हुई है और जो वैल्यूज हमें सेचुरेशन रीजन में दी हुई है। तो सेचुरेशन रीजन में देखेंगे कि हमें दो स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई, स्पेसिफिक वॉल्यूम का दो वैल्यू दिया हुआ, एक VF और एक VG, सबकी ऐसे ही दी हुई होगी। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू UF और UG, इंथैल्पी की वैल्यू HF और HG, एंट्रोपी की वैल्यू SF और SG। ये क्यों दिया हुआ, क्योंकि सेचुरेटेड में आपके पास दो पॉइंट है, सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर, दोनों पॉइंट है, इसीलिए दोनों पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। HF क्या आ गया, ये सेचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन की वैल्यू आ गई और ये सेचुरेटेड वेपर वाले लाइन की वैल्यू हो गई HG। और HFG क्या हो गया, HG-HF, यानी कि अगर देखेंगे H3 पर, यानी 3 वाले पॉइंट पर इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कुछ होगी और इंथैल्पी की वैल्यू 8.2 पर भी कुछ होगी। तो इसके बीच में जो इंथैल्पी है वो कितनी है, H3-H2, यही क्या है इंथैल्पी, यही इंथैल्पी जो आपको लग रही है, यही लेटेंट हीट होता है, यही क्या होता है, लेटेंट हीट। तो अगर जो हमें चेक करना हो कि हमारे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, तो देख सकते हैं HFG, वही HG-HF जो लगेगा वही जगह आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 1 bar वाले प्रेशर पे देखेंगे HFG कितना है, तो ये है आपका 1 bar और HFG की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 2256.5, यही है, आपको यही पता भी होगा, आप लेते हैं हमेशा 2257 लेते हैं अराउंड। तो आपको यहाँ पे स्टीम टेबल की, तो आप एक ही गोल आप याद रखते हैं, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, तो आपको बस यही वैल्यू, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे इसकी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कहाँ से मिलेगी आपको, ये स्टीम टेबल से मिलेगी या मोलियर डायग्राम से मिलेगी। तो इस स्टीम टेबल में देखेंगे कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा स्टीम टेबल, यानी देखेंगे 101, 120, 150, 175 के नीचे की तरफ आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो नीचे की तरफ जैसे आ रहा है प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो देखेंगे कि इंथैल्पी जो आपकी है, चेंज इन इंथैल्पी यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो घट रहा है बढ़ रहा है, तो वो देखेंगे कि घटेगा। यहाँ पे कितना था, 2256, यहाँ पर हो गया 2240, देन 2226, 2213, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये घटता जा रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका ये बीच का जो लाइन होगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ये लाइन क्या होगा, छोटा होता जाएगा। देखिए छोटा होता जाएगा ये लाइन की, ये लाइन जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पे लाइन पॉइंट बन जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लाइन आपको घटते हुए दिख रही है ऊपर की तरफ जैसे जा रहा हो, तो ये लाइन की जो लेंथ है वो घटते हुए दिखाई दे रही है आपको ऊपर की तरफ, ये ब्लू लाइन की लेंथ घटते हुए दिखाई दे रही है। ये घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि वो लाइन क्या पॉइंट बन जा रही है, उसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और उस पॉइंट पे यानी पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। पॉइंट पे क्या आ जाएगी, जीरो। पॉइंट तो पॉइंट है, वहां पे उसका कोई लेंथ ही नहीं है। पॉइंट का कोई लेंथ होता क्या, नहीं होता, पॉइंट का लेंथ नहीं होता है। पॉइंट का लेंथ नहीं होता यानी कि पॉइंट की कुछ वैल्यू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर लेटेंट हीट की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पर लेटेंट हीट की वैल्यू जीरो होगी। इसीलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट द क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली जैसे इस प्रेशर पे पहुंचोगे आप, तो आपका लिक्विड जो होगा वो वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट।
ये कन्वर्ट होगा। तो देखिए मैं कितनी बार रिपीट किया हूँ इस बात को, ये आपको शायद अब फील होने लगा होगा कि कैसे प्रेशर घटने पे, टेम्परेचर कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सेचुरेशन पॉइंट कैसे घट रही बढ़ रही है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे फील होने लगे होंगे, है ना। तो ये पॉइंट आपको अब धीरे धीरे फील होने लगे होंगे, तो ये आप अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए पहले, फिर हम और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ये आपका टीएस टीएस डायग्राम हो गया, पीवी डायग्राम हो गया, आप देखेंगे मोलिया डायग्राम। तो मोलिया डायग्राम क्या होता है ये देखेंगे। मोलिया एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये कुछ कॉन्सेप्ट दिया जिनके बेसिस पे उनके नाम पे ये मोलिया डायग्राम रखा गया। तो देखेंगे ये आया कहाँ से, कैसे क्या होता है। तो एज वी नो फ्रॉम दी From first and second law of thermodynamics, आवाज आ रही सबको ना? Yes, sir. From first and second law of the thermodynamics, we can see TdS equal to dH minus VdP। ये हम बहुत पहले डिराइव कर चुके हैं ये, तो ये सबको याद भी होगा, नहीं याद है तो देख सकते हैं फिर से बैक में जा करके। तो TdS equal to dH minus VdP,
अब हमें जैसे कि हमने जो लाइन ऊपर बनाया था, देखेंगे ये जो लाइन बना रहे थे हम, ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये कौन सी लाइन थी? ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन थी, यानी कि किसी करेस्पॉन्ड किसी कांस्टेंट प्रेशर करेस्पॉन्डिंग अगर हम कोई वैल्यूज देखते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर अगर हम प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जो आप हीटिंग या कूलिंग कर रहे हो वो एट कांस्टेंट प्रेशर करते हो, प्रेशर को चेंज नहीं करते हो, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट विल बी हैपन एट कांस्टेंट प्रेशर TDS, यानी कि ये जो हो जाएगा TDS, यानी VDP है तो DP क्या आ जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर DP इक्वल टू जीरो, चेंज इन द प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर ले लिए, चेंज इन द प्रेशर क्या होगा? जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? DH अपॉन DS एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू DH अपॉन DS एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू T, यानी कि इंथैल्पी और एंट्रोपी का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो होगा टेम्परेचर। ये क्या एक स्लोप है? T DH by DS एट कांस्टेंट प्रेशर क्या एक स्लोप है? इसका स्लोप क्या होगा? ये होगा आपका कांस्टेंट एक प्रेशर होगा। तो यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि ये, और इसके बेसिस पे जो हम प्लॉट करते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं, DH यानी H और S यानी कि इंथैल्पी और एंट्रोपी, अभी हमने देखा PV, देखा TS, देखा और ये है HS, ये है HS, यानी कि इंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का जो प्लॉट होता है, जो डायग्राम होता है, वो ऐसे कुछ आएगा, तो वो होगा मोलियर डायग्राम। इसको हम बोलेंगे मोलियर डायग्राम, मोलियर डायग्राम, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे ये इंथैल्पी की लाइन होगी, ऐसे कुछ होगी आपकी, इंथैल्पी घटेगी बढ़ेगी जो भी होगी यहां पर, तो ऐसे कुछ होगी ये लाइन। जब आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? हीट सप्लाई करने पे इंथैल्पी क्या होगी? कांस्टेंट कभी भी नहीं रहेगी। जैसे कि आपका टेम्परेचर कहीं कांस्टेंट हो रहा था जब आपका फेज चेंज हो रहा था, बट उस टाइम पर अगर इंथैल्पी की हम बात करेंगे, जैसे ये वाली लाइन है, ऊपर कंपेयर हम करते हैं, देखते हैं ये वाली लाइन है, 1 से 2 तक क्या हो रही है? आपकी हीटिंग हो रही है, इंथैल्पी भी बढ़ रही है। हीटिंग कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसकी एंट्रोपी तो बढ़ रही है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, साथ साथ में इंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि हीट आप सप्लाई करने की उस सब्सटेंस की एनर्जी बढ़ रही है। वैसे ही 2 से 3 में देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट इंथैल्पी क्या होगी? इंथैल्पी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज वी आर सप्लाइंग द हीट टू द सब्सटेंस, एंड इफ यू विल सप्लाई द हीट टू द सब्सटेंस, देन इफ दैट सब्सटेंस इज नॉट डूइंग एनी वर्क, ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? जितनी भी हम हीट सप्लाई की वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, देन इट्स इंथैल्पी भी क्या कर रहा है? उसकी इंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि कोई वर्क नहीं किया, ये इसकी इंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। देन 2 से 3 के बीच में इंथैल्पी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। इसीलिए देखेंगे एच एस डायग्राम में भी, एच एस डायग्राम में आपका हीट सप्लाई कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? इंथैल्पी बढ़ता है। एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर देखेंगे इंथैल्पी इसकी एच एस डायग्राम पे ये लाइन ऐसी होगी, ऐसे ही होगी, लास्ट में कुछ ऐसे होगी, ये जब आप क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर चले जाएंगे तो ये होगी आपकी HS डायग्राम। HS कोई बोलते हैं मोलियर डायग्राम, कभी कभी पूछ लेता आपसे मोलियर डायग्राम का रिलेशन क्या है, यही देगा डी एच, ये रिलेशन कभी कभी दे देता कि डी एच बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू टी, तो कभी कभी 1/T, तो आप इसको डायमेंशन को रिलेट करके भी निकाल सकते हैं, डी एस का यानी एंट्रोपी और इंथैल्पी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, इसको हम चेक कर लेंगे यही बार, आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे हो जाएगा? देखिए जो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है क्या था, जूल पर केजी, पर केजी केल्विन, और इसका क्या था, जूल पर केजी, तो जूल पर केजी, जूल पर केजी कैंसिल हो जाएगा, के कहाँ चलेगा ऊपर, यानी कि क्या बचेगा, केल्विन, केल्विन किसका यूनिट हो गया, टेम्परेचर का, तो यूनिट बैलेंस कर सकते हैं।
यूनिट बैलेंस करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा पैरामीटर होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, डी एच अपॉन डी एस का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, केल्विन आएगा, यानी केल्विन किसका यूनिट है, वो है टेम्परेचर का, यानी कि ये जो पैरामीटर होगा डी एच अपॉन डी एस वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। इसको लिख लेंगे, अब लिखेंगे क्वालिटी, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से, स्मॉल एक्स से इसको हम डिनोट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये टर्म देख रहे हैं ये क्या होगा, ये आपको इसकी मीनिंग समझनी होगी, इसकी मीनिंग क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन मीन्स कि ड्राइनेस फ्रैक्शन में से कितना ड्राई है, कोई सब्सटेंस कितना ड्राई है वही है इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर जो आपके पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में क्या है, ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है और वेपर है, लिक्विड है और वेपर का मिक्सचर है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है और वेपर का मिक्सचर है, लिक्विड कितना है 10 kg और वेपर कितना है 10 kg, या इसको ले लो 15 kg, तो इसको ले लिया हमने 15 kg, ठीक है। तो अब हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कितना ड्राई मास है, कितना ड्राई मास है, ड्राइनेस फ्रैक्शन में से कि इस पूरे सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट में कितना ड्राई वाला मास है, तो ड्राई वाला मास क्या होगा, वेपर जो है वही ड्राई है, तो वेपर मास ऑफ द वेपर, मास ऑफ द वेपर अपॉन टोटल मास कितना है, इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है, तो टोटल मास में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वेपर प्लस मास ऑफ द लिक्विड, तो मास ऑफ द वेपर कितना दिया आपको 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 दैट इज 15 अपॉन 25 दैट इज 3/5 दैट इज 0.6। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी देखेंगे क्या होगी 0.6। तो अब देखेंगे कि हमारे ड्राइनेस फ्रैक्शन की लिमिट कितनी है, लिमिट मीन्स की इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो कोई बता सकता है क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हो सकती है, बिल्कुल सही बोला आपने, 0 से 1 के बीच में क्यों हो सकती है, 0 तब होगा जब इसके सिस्टम में कोई भी वेपर का पार्टिकल नहीं होगा, कोई भी वेपर का पार्टिकल नहीं, टोटल का लिक्विड है, यानी कि टोटल लिक्विड हो गया तो मास ऑफ द वेपर जो हम ऊपर लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन कुछ भी होगा तो क्या होगा 0। वही जब पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है उस सिस्टम के अंदर वो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है वेपर, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो मास है वो क्या है, वेपर फेज में है, यानी कि पूरा का पूरा वेपर फेज में है, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ द वेपर और नीचे टोटल मास, टोटल में भी क्या होगा, वेपर ही होगा, यानी कि दोनों वैल्यू क्या सेम, दोनों सेम, तो इसकी वैल्यू 1। अब इससे कुछ और अलग तो हो नहीं सकती, ये 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, यानी कि जो मास ऑफ द वेपर है वो वेपर का मास उस सिस्टम के मास से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, वो 1 से ज्यादा कब होगा, जब वेपर का मास इस सिस्टम के मास से ज्यादा हो जाएगा, इस सिस्टम के अंदर जो मास उससे ज्यादा होगा तभी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, बट अब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कि जितना अंदर वेपर है पूरा का पूरा वेपर हो गया तो वही वेपर हो जाएगा, वही पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा, तो वही मैक्सिमम हो सकता है 1, और मिनिमम हो सकता है
जीरो। तो ये एक्स की वैल्यू लाई करती है कहां से, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे, ये एग्जांपल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, तो फिर इसका डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो। अगर आप समझ गए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है तो आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसे, इट इंडिकेट्स द मास फ्रैक्शन of vapor in liquid vapor mixture, in liquid और vapor के mixture में vapor का mass कितना है, वही है, it indicates mass fraction of vapor, vapor का mass fraction इन लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन किस स्टेट में, सुपर हीटेड स्टेट में, तो सुपर हीटेड स्टेट में अगर इस रीजन में हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होगा, वेपर ही होगा, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगी, वन होगी, इस रीजन में जीरो होगी, सबकुल्ड रीजन में, सबकुल्ड में क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स से, एक्स इक्वल टू एम वी अपॉन mv प्लस ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये डिनोट करता है क्वालिटी ऑफ द स्टीम। तो इसको भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो फिर क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे, हाँ ये होता क्या है, बस आपको याद आ जाएगा ये फॉर्मूला। अब इसको हम समझते हैं TS और HSPV हर एक डायग्राम से समझते हैं कि इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है। इतना पहले लिखेंगे, नोट कर लिए, नोट हो गया, यस सर। चलिए, यस सर, हाँ चलिए, बढ़िया बढ़िया, फिर देखते हैं किसका मतलब क्या हुआ इस डायग्राम से, पीवी और टीएस डायग्राम। तो हमारे पास है टीएस डायग्राम, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर टू पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, कोई भी बताओ, पॉइंट नंबर टू पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट नंबर टू पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर, जीरो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पॉइंट नंबर थ्री पे, और दूसरा कोई बताएगा, पॉइंट नंबर थ्री पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कोई और, पॉइंट नंबर थ्री पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सेवन। वन, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ टू और थ्री के बीच में, पॉइंट नंबर फाइव, इस पॉइंट नंबर फाइव पे यानी कि टू और थ्री के बीच में ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट टू और थ्री के बीच में ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। 0.5 कैसे बता सकते हो, बीच में इसकी आपने ले लिया लोकस बीच में, ठीक है 0.5, लेकिन अगर बीच में नहीं, मान लीजिए ठीक है आपने सही बोला, बिल्कुल सही आंसर है, बीच में तो 0.5 होगी, बट अगर मैं बात करता हूँ कहीं इसी इसके बीच में कहीं भी रैंडम पॉइंट पे, टू और थ्री के बीच में किसी भी रैंडम पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसी भी पॉइंट पे, मैं बोल रहा हूँ टू, हमें पता नहीं बीच में कहाँ है, लेकिन टू और थ्री के अंदर ये कहीं पे
वो मिडल में है या नहीं है, मिडल से लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कहीं भी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर जीरो और वन के बीच। एग्जैक्टली, जीरो और वन के बीच में, लेकिन कितनी होगी ये हम बता नहीं सकते, है ना, ये हम नहीं बता सकते हैं कि इसके बीच में वैल्यू कितनी, लेकिन ये पता हमें कि हाँ इसके बीच में अगर है तो उसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी, लेकिन कितनी होगी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ और वैल्यू जाननी पड़ेंगी, कुछ और पैरामीटर जानना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे हम अगर बात करते हैं तो हमें क्या पता, हमें पता है प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्रेशर हमारा फिक्स है क्योंकि वन एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा फिक्स है इस लाइन पर, लेकिन और कुछ हमें नहीं पता, टेम्परेचर भी फिक्स है। प्रेशर टेम्परेचर क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गए, तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिपेंडेंट होते हैं, तो प्रेशर और टेम्परेचर के अलावा कोई एक प्रॉपर्टी और आपको मालूम होनी चाहिए इसके पॉइंट को डिफाइंड करने के लिए, यानी इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, यानी कि आपको इस पॉइंट पे कुछ इंथैल्पी भी होगी, कुछ एंट्रोपी भी होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगी, कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होगा, तो उसमें से कुछ और अगर हमें मालूम चल जाएगा देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ड्रेनेज फ्रैक्शन एंड देन वी कैन फिक्स द दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो ड्रेनेज फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन होंगे। जैसे कि हमें वहां पर सुपर हीटेड में हमने देखा टेबल में कि किसी भी प्रेशर के रिस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें वैल्यू सारी दी हुई है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इंथैल्पी कितनी है, एंट्रोपी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है। बट विद इन द सैचुरेशन रीजन, विद इन द सैचुरेशन रीजन मींस द विद इन 2 एंड 3 वी डोंट नो द इंथैल्पी। हमें पता क्या, इंथैल्पी भी हम जो देखें सैचुरेशन टेबल में हमें 2 पे पता है और 3 पे पता है, हमें बीच में कितनी किस पॉइंट पे ये नहीं पता है ना। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको ये टेबल, ये सैचुरेशन टेबल, तो सैचुरेशन टेबल में देखेंगे 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग आपको जो इंथैल्पी पता है वो कहाँ पे पता है, वो केवल देखिए ये है HF का टेबल और ये है HG का टेबल, यानी कि HF वाले पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट 2 पे पता है और पॉइंट 3 पे पता है। अब 2 और 3 के बीच में अगर आपको कोई इंथैल्पी निकालनी हो देन वी कैन नॉट फाइंड आउट इजिली, ऐसे ही हमें मालूम नहीं चल पाएगा इसके बीच में। तो इसके बीच में हमें निकालने के लिए हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, उस रिलेशंस को हम देखेंगे, वो रिलेशंस क्या हैं अभी देखेंगे, लेकिन उस रिलेशंस तक पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, इस 2 और 3 के बीच में आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ है वो, इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है। लेकिन एक चीज तो हमें ये पता है कि हर एक पॉइंट पर क्या होगा, आपका जो ड्रेनेज फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, अलग होगा, 0 और 1 के बीच में तो होगा ही होगा, बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द ड्रेनेज फ्रैक्शन विल बी डिफरेंट। अब जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, ये बताओ। 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। सर बढ़ेगी, एग्जैक्टली बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि देखिए बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 पे हमारे पास पूरा का पूरा लिक्विड है और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अब हमारा मास जो है फिक्स है, वो टोटल मास फिक्स है और पहले क्या था लिक्विड, अब उसी लिक्विड में से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, यानी कि लिक्विड का मास कम होगा और वेपर का मास बढ़ेगा। और हमारे पास ड्रेनेज फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन है वो है MV/MV + ML। अब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी कि ये बढ़ेगा और ये घटेगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नहीं सर हो रही है, सर मेरे में नहीं हो रही है, सारे लोग ज्वाइन करके खड़े होते हैं, बस वही शो हो रहा है। एक सेकंड मुझे भी ज्वाइन करने दो, फिर देखता हूँ प्रॉब्लम क्या। होने लगी सर, शो होने लगी, हो रहा सब कुछ, वो सर होने लगी। चलिए तो जैसे हम 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 से 3 की तरफ हम जा रहे हैं तो मास ऑफ द वेपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और मास ऑफ द लिक्विड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखेंगे ये वैल्यू घट रही है, यानी कि टोटल तो क्या होगा, ये टोटल कांस्टेंट होगा, ये टोटल वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर वाली वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ये रेशियो बढ़ रहा है। नीचे का वैल्यू क्या, कांस्टेंट है, टोटल मास तो कांस्टेंट ही होगा, आपस में घट बढ़ रहा है, लेकिन टोटली ये क्या है, कांस्टेंट है, बट ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा है, आपका जो रेशियो वो बढ़ेगा, यानी कि 2 से 3 की तरफ में जाते हुए क्या मिलेगा, जो ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू एक्स है वो क्या होगी, बढ़ती हुई
दिखाई देगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू एक्स का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर हम बात करते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे जो हमारी ड्रायनेस फ्रैक्शन क्या होगी, वो होगी वन। ये यहाँ पे वैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वेपर ही पूरा होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, पूरा लिक्विड भी होता है पूरा वेपर ही। जस्ट इस पॉइंट के लेफ्ट में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा, इस पॉइंट के जस्ट राइट में जाओगे तब क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पूरा का पूरा वेपर, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है इस पॉइंट पे। तो यहां से हम देखेंगे कि इस पॉइंट से अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं ऐसी एक लाइन, देखिए ये है ड्रायनेस फ्रैक्शन की लाइन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन होंगी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है इनके एक्स की हम बात करें कितना होगा, जो यहां पर देखिए जो इस सेचुरेटेड वेपर वाली लाइन के पास में जो ड्रायनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, यहां पर देखिए इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, इसका जो आपका सेचुरेटेड वेपर वाला लाइन है वहां पर ड्रायनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पूरा का पूरा वेपर है। उससे अंदर आएंगे थोड़ा सा तो x वैल्यू 0.9 0.8 देन आते आते यहां पर मिलेगा आपको 0, और इससे आगे आएंगे 0.1 0.2 ऐसे ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मोलियर डायग्राम में आपको ये कर्व दिखाई देगा, तो यानी कि आपको अगर फाइंड आउट करना है वहां से ड्रायनेस फ्रैक्शन कोई और वैल्यू दी हुई, एंथैल्पी दी हुई है, एंट्रोपी दी हुई है, तो उसके हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रायनेस फ्रैक्शन पे आपकी एंथैल्पी कितनी है, एंट्रोपी कितनी है, तो वो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम अभी देख रहे हैं डायग्राम से, इसको हम हमारे पास इसके लिए एक रिलेशन है, एक फार्मूला है, उस फार्मूला के बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्या पता है, कुछ भी एक पता है, जैसे प्रेशर पता है, और प्रेशर के बाद आपको कोई एक प्रॉपर्टी और गिवन है, या तो आपको दी हुई इंथैल्पी तो आप ड्रायनेस फ्रैक्शन निकालोगे, या आपको ड्रायनेस फ्रैक्शन दी हुई है तो बाकी चीजें भी निकालोगे, इंथैल्पी निकालोगे, एंट्रोपी निकालोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। क्योंकि हमें अगर पॉइंट वो मिल जाएगा ना, जैसे हम पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे तो उस पॉइंट पे जितने भी प्रॉपर्टी होंगे वो हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टी चाहिए, किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, दो प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो दो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकते हैं, टेम्परेचर और एंट्रोपी भी हो सकते हैं, और या टेम्परेचर एंट्रोपी नहीं पता है लेकिन हमें इंथैल्पी पता है, ड्रायनेस फ्रैक्शन पता है, तो भी हम इस पॉइंट को हम फिक्स कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी पता होना चाहिए, दो चीज, लेकिन दो पैरामीटर, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर मालूम होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट, प्रेशर और टेम्परेचर इनसाइड द डोम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या कॉन्स्टेंट है, दोनों ना ही घटे ना बढ़ रहे हैं, दोनों क्या कॉन्स्टेंट, मीन्स क्या डिपेंडेंट हो गए। हर एक प्रेशर के लिए एक टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है, वो घट बढ़ नहीं रही है, तो यानी कि वो डिपेंडेंट हो गए। तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों अगर आपको मालूम है तो आप पॉइंट को फिक्स नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो यही प्रेशर वाली लाइन भी है, यही टेम्परेचर लाइन भी। अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर मालूम है तो एक लाइन मिल रही है, आपको पॉइंट नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, एक लाइन मिल रहा, आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट के लिए एक कोई और प्रॉपर्टी चाहिए जो इनडिपेंडेंट हो। तो प्रेशर टेम्परेचर इनसाइड द डोम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उनमें से कोई एक ही ले सकते हैं, कोई एक मालूम है, उसके अलावा कोई एक प्रॉपर्टी और हमें नोन होनी चाहिए। लेकिन आउटसाइड द डोम हमें प्रेशर टेम्परेचर मालूम है तो हम पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ही प्रेशर के लिए देखेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू है, एक ही प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं बाहर, लेकिन इनसाइड वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, आउटसाइड डिपेंड नहीं करते हैं। तो आउटसाइड में हमें प्रेशर और टेम्परेचर भी मालूम रहेगा तो हम पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे, हाँ ये हमारा पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ड्रायनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्रायनेस फ्रैक्शन हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब वो रिलेशन देखते हैं कि जिसके हेल्प से हम इनसाइड द डोम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेते हैं कोई कंटेनर, कोई कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना वी है, टोटल वॉल्यूम वी है और मास क्या है एम है। अब इसके अंदर क्या हमारे पास, इसके अंदर है लिक्विड और वेपर, लिक्विड और वेपर। लेट V इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, X इक्वल टू क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर। VF इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, VG इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वेपर, M इक्वल टू टोटल मास, किसका मिक्सचर का, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, एम एफ इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड, एम जी इक्वल टू मास ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। ये पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिया। अब देखेंगे V इक्वल टू टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वी एफ मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर, यही होगा मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर। अभी टोटल वॉल्यूम को अगर देखेंगे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम Vg, V, M into V, V क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, और कितना मास है टोटल, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम। लिख सकते हैं इस कैपिटल V को, हम लिख सकते हैं M into small V। यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो बोल देगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एम एफ इक्वल टू एम एफ इंटू वी एफ प्लस एम जी इंटू वी जी। अब यहां से देखेंगे कि एम क्या है, एम है टोटल मास से आ रहा, मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर, एम एफ प्लस एम जी। एम एफ क्या लिख सकते हैं, एम एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एम माइनस एम जी प्लस एम जी इंटू वी जी, इसको क्या ले सकते हैं, और एम यहां पर ये वी एफ भी होगा इंटू वी एफ। और ये क्या है एम इंटू वी है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में आप एम से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड में एम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा स्मॉल वी इक्वल टू यहाँ पर एम बाई एम वन माइनस एम जी अपॉन एम क्या हो जाएगा,
यही देखेंगे अभी आगे क्या होगा, इनटू वी एफ प्लस एम जी अपॉन एम जी अपॉन एम इंटू वी जी। अब वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस एम क्या है, एम जी क्या है मास ऑफ द वेपर, और एम क्या है टोटल मास। तो ये क्या है, ये ड्रेन इंस्ट्रक्शन है, ये हम देखें ऊपर एम वी अपॉन एम वी प्लस एम एल एम वी, ये क्या टोटल मास हो गया और ये मास ऑफ द वेपर हो गया, यानी कि यही हो गया ड्रेन इंस्ट्रक्शन, यानी कि एम जी अपॉन एम क्या हो गया ड्रेन इंस्ट्रक्शन हो गया। वन माइनस एक्स इंटू वी एफ प्लस यहां पर क्या है एम जी अपॉन एम, ये भी क्या हो गया आपका ड्रेन इंस्ट्रक्शन, एक्स इंटू वी जी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एफ प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू वी जी माइनस वी एफ, और इसी को वी जी माइनस वी एफ को बोलते हैं वी एफ जी, इसी को बोलते हैं वी एफ जी, वी इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। ठीक है, ये होगा वी एफ जी, वी एफ जी क्या होगा वी जी माइनस वी एफ। अब इसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, जो हमने डिराइव किया फॉर्मूला इसका मतलब क्या है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। ये जो मैंने बॉक्स में दिखाया फॉर्म वी इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू या कोई और प्रॉपर्टी निकालेंगे। फिर अब देखेंगे कि ये क्या है, ये v इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी, इसका मीनिंग क्या होगा अब देखेंगे इस डायग्राम से जो हमने ऊपर बनाया। देखिए v इक्वल टू, यानी कि हमें किसी पॉइंट पे इसके अंदर अगर v की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर अगर मान लो कि ये पॉइंट कोई है, ये वाला पॉइंट कोई है, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए v चाहिए। तो अब ये v क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, v2 कितना, यानी कि ये vf हो गया प्लस ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा, ये वाला रीजन मिल जाएगा आपको। तो vf प्लस ये वाला ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ का वॉल्यूम इस पॉइंट का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कैसे मिलेगा, ये वॉल्यूम यानी कि ये टोटल वॉल्यूम तो आपको पता है v3 माइनस v2, यानी कि vf माइनस vg आपको पता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मालूम है, और यहाँ का क्या मिल जाएगा आपको ड्रेन इंस्ट्रक्शन अगर, तो यानी कि टोटल जो डिफरेंस है वी एफ जी इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको मिल जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये वी टू तो आपको पता ही होगी, तो मिल जाएगा आपको यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, वही है यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम वी इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स इंटू वी एफ जी। तो वी एफ जी क्या होगा वी थ्री माइनस वी टू इंटू एक्स ठीक है प्लस वी एफ, यहाँ का टू का पॉइंट ये वाला, तो आपको मिल गया स्पेसिंग वॉल्यूम एट पॉइंट दिस। इसको नोट करेंगे और देखेंगे इसके आगे के लिए, तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। सिमिलरली अब हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि सेम डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, विदाउट डिराइविंग वी कैन राइट सिमिलरली H इक्वल टू क्या हो जाएगी, H यानी स्पेसिफिक इंथैल्पी इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। सिमिलरली S यानी एंट्रोपी S इक्वल टू एस एफ प्लस एस एफ जी। V इक्वल टू वी एफ प्लस वी एफ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सेम ही है लगभग देखेंगे तो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, या बहुत इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं।
एच इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, एस इक्वल टू एस एफ प्लस एस एस एफ जी, इसको आप नोट करते रहिए, v इक्वल टू वी एफ प्लस वी एफ, अच्छा u, u लिखना है अभी, हमने v लिख दिया दो बार, u इंटरनल एनर्जी, तो u क्या हो जाएगा बताओ कोई, u क्या होगा, u एफ प्लस u x u एफ जी, देखिए यहाँ पर x छोटा हुआ है दोनों जगह पे, तो ये आपको बोलना था, अभी आप बोले हो ना, जो देखो सही बोले हो, u f g, चलिए हो गया, एक प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड दी enthalpy, entropy and volume of steam at 1.4 megapascal and 350 degrees Celsius. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ऑफ द स्टीम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन है किस पे 1.4 मेगापास्कल एंड 350 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया था, हमने आपको सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड योर स्टेट इज इन वेदर इन सुपर हीटेड और इन सैचुरेटेड और इन सबकूल रीजन। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट आपको प्रेशर दिया हुआ, इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर निकाल लो, इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर निकाल लो, कहाँ से, स्टीम टेबल से। स्टीम टेबल में कौन से वाले टेबल से, सेचुरेशन वाले टेबल से, क्योंकि हमें सेचुरेशन टेम्परेचर निकालना है। तो सेचुरेशन टेम्परेचर हमें कहाँ से मिल जाएगा, सेचुरेशन टेबल से, इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग। अब अगर जो सेचुरेशन टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज्यादा है, सेचुरेशन से अगर जो ये ज्यादा है तो क्या होगा, सुपर हीटेड होगा। सेचुरेशन के बराबर है तो सुपर हीट, तब सेचुरेशन रीजन में होगा, और इससे कम है ये तो सब कूल्ड हो जाएगा। यही था आपका टेबल, टी एफ डायग्राम,
ये, तो अगर कहीं ये TS है, ये TS है आपका आयन, TS, ये TS means की saturation temperature, Tsat. अब Tsat से अगर जो आपका given temperature ज्यादा है यानी ऊपर होगा, ऊपर होगा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा. अब Tsat से अगर ये temperature नीचे होगा तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा. ऊपर होगा यानी यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट कहाँ है, सुपर हीट रीजन में. यहाँ कहीं होगा तो यहाँ सब कूल्ड में. और इसी लाइन पर कहीं अगर ये टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर के बराबर ही दे दिया है तो क्या होगा, इसी पॉइंट पर कहीं होगा सेचुरेशन रीजन में होगा. तो सेचुरेशन रीजन में तो बहुत सारे पॉइंट है, जैसे मैंने बोला ना कि सेचुरेशन रीजन में बहुत सारे पॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज होंगी सबकी, एंथैल्पी की, एंट्रोपी की. तो इसलिए आपको एक प्रॉपर्टी और चाहिए इस रीजन में अगर रहेगा तो, सेचुरेशन रीजन में, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिपेंडेंट हो जाते हैं. बट आउटसाइड आउटसाइड दिस सेचुरेशन रीजन दोनों इंडिपेंडेंट है, तो आप पॉइंट को फिक्स कर लिए. बट इनसाइड डोम यू कांट फिक्स द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यू नीड वन मोर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, देन यू कैन फिक्स द पॉइंट एंड देन यू कैन फाइंड द अदर प्रॉपर्टीज एट दैट पॉइंट. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल गो इन द स्टेट टेबल एंड वी विल सी द सेचुरेशन टेम्परेचर एट 1.4 मेगा पास्कल पर. देखें अब हमारे पास ये प्रेशर टेबल है सेचुरेशन का, अब देखेंगे 1.4 मेगा पास्कल कहाँ पर है, किलो पास्कल में वैल्यू दी हुई है. तो किलो पास्कल में 1.4 मेगा पास्कल क्या होगा, 1.4 मेगा पास्कल ये होगा आपका 1.4 मेगा पास्कल, यानी कि 1400 पास किलो पास्कल, 1400 किलो पास्कल यानी कि 1.4 मेगा पास्कल. देखिए तो अलग अलग टेबल में अलग अलग यूनिट में भी दिया होता है, कहीं मेगा पास्कल में दिया होता है, कहीं किलो पास्कल में दिया होता है. इस वाले टेबल में जो हमने आपको सेंड किया है इसमें दिया आपको किलो पास्कल में ही, तो यही हो गया आपका 1.4 मेगा पास्कल. नाउ वी कैन सी दिस सेचुरेशन टेम्परेचर, तो सेचुरेशन टेम्परेचर का कॉलम इस प्रेशर के पास में ही दिया रहेगा हमेशा. अब इसी कॉलम में जो वैल्यूज दी हुई होंगी वो वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, वो वैल्यूज क्या है, वो टेम्परेचर की है, कौन से टेम्परेचर की, उस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर की, यानी कि 1.4 मेगा पास्कल जो टेम्परेचर है, तो इस 1.4 मेगा पास्कल टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो क्या है, 195.04 यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस, यूनिट है डिग्री सेल्सियस. तो हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग एक फिक्स सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, ओनली एंड ओनली वन फिक्स सेचुरेशन टेम्परेचर होगा हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग. वैसे ही 1.4 मेगा पास्कल प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग देयर इज अ फिक्स वन सेचुरेशन टेम्परेचर, दैट इज 195.04. नाउ वी विल कम ऑन आवर प्रॉब्लम. सो टी सेट एट 1.4 मेगा पास्कल कितना था, 195.04 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये टेम्परेचर आपको मिल गया, ये वाला टेम्परेचर कितना है 195, और आपको क्या गिवन है 350, मींस 350 विल लाई अबव द टी सेट, ऊपर लाई करेगा तो कहां जाएगा, इस रीजन में यहां पर आएगा. तो पॉइंट 1.4 मेगा पास्कल एंड 350 डिग्री सेल्सियस ये कहां पर लाई करेगा, विल लाई इन सुपर हीटेड रीजन. अब हमें अभी तक हमें ये मालूम चला कि ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सुपर हीटेड में या सबकूल्ड में या सेचुरेटेड में, तो हमें मालूम चलेगा ये सुपर हीटेड रीजन में है. देन वी विल गो इन दी सुपर हीटेड टेबल, वी विल गो, ये भी सेचुरेटेड है, ये भी सेचुरेटेड टेबल है. देन वी विल कम डाउन एंड वी विल गेट दी सुपर हीटेड टेबल, सुपर हीटेड वाटर, सुपर हीटेड वाटर, सुपर हीटेड में कहां पर देखना है 1.4 मेगा पास्कल. तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, अलग अलग बॉक्स दिया हुआ है, 0.01 के लिए दिया हुआ है, 0.05 के लिए, 0.1 के लिए, तो ऐसे ही आएंगे देखेंगे हमें मिलेगा 1.4 मेगा पास्कल,
यहाँ है 1.4 मेगापास्कल, 1.4 मेगापास्कल। देखिए उस प्रेशर करेस्पॉन्डिंग आपको दिया सेचुरेशन टेम्परेचर, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी लिख दिया है, उस प्रेशर करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन टेम्परेचर गिवन है आपको। अब सुपर हीटेड टेबल है तो जो टेम्परेचर दिया होगा तो इस सेचुरेशन से ज्यादा ही दिया होगा, यानी 195 से ज्यादा पे ही वैल्यू देंगी। देखिए 195 सेचुरेशन है तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर कितना 200, 250, 300, 350, क्योंकि सुपर हीटेड टेबल है तो सुपर हीटेड तभी होगा जब इसका टेम्परेचर इसके सेचुरेशन से ज्यादा होगा। तो देखेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमें कितना लेना है, कितने टेम्परेचर पे देखना है। कितना टेम्परेचर दिया हुआ, टेम्परेचर कितना हमारा, क्वेश्चन में कितना दिया टेम्परेचर, 350 डिग्री 350। तो सोचिए ना इसको क्या इतना भूल, 350 दिया हुआ, प्रेशर 1.4 था, हमें अब मिल गया वो टेबल में वो पॉइंट मिल गया, 1.4 मेगापास्कल मिल गया और 350 डिग्री सेल्सियस मिल गया, यहाँ पर है। अब इसके इस रूम में देखेंगे इस टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग इस वाले टेबल में, ये वाले टेबल में और ये टेम्परेचर कितना 350। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू देखिए, ये क्या हो जाएगी, ये है स्मॉल वी, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये स्पेसिफिक इंथैल्पी, ये स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, यही वैल्यू आप नोट कीजिए, यही हो जाएंगी आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। लिख लिए? Yes, sir. तो ऐसे ही आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये तो मिल गया था आपको पॉइंट कहाँ का, सुपर हीटेड का, बट अगर जो आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो कहाँ का है, किसी और जगह पे सेचुरेशन का है, अगर जो है सब कूल्ड का है तो कैसे निकालना आपको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन और करेंगे, देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख लेंगे स्मॉल वी, स्मॉल यू, स्मॉल एच और स्मॉल एच की वैल्यू वो टेबल से जो दिखाया था, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। मैंने ग्रुप में जो आपको जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो सबके लिए ओपन हो गया चैट करने के लिए ना, पहले आप लोगों ने लगाया था रिस्ट्रिक्शन, तो अगर आपको वहाँ भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं आपस में डिस्कशन कर सकते हो, या आपका कोई अलग ग्रुप है तो वहाँ भी डिस्कशन कर सकते हो, नहीं समझ में आता तो इस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो।
तो ग्रुप है, इसलिए ग्रुप का यूज कीजिए, ग्रुप है डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन मीन्स कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप पूछ सकते हो। केवल इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, डिस्कशन के लिए भी है, आप डिस्कशन कर सकते हो उसमें। जैसे आप कोई प्रॉब्लम भेजो आपस में, जिसको नहीं आ रहा है, दूसरा जिसको कोई आ रहा है वो उसको आंसर करे। अगर किसी को नहीं आ रहा पूरे क्लास में, अगर जो, तो फिर मैं आंसर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा दूसरा क्या पढ़ रहा है, क्या हम नहीं पढ़ रहे, क्या छूटा है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। और वैसल ऑफ वॉल्यूम 0.04 मीटर क्यूब कंडेंस और मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम। आप भी क्वेश्चन लिख रही है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इज 9 kg। फाइंड द प्रेशर मास स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एन्थैल्पी स्पेसिफिक वॉल्यूम एन्थैल्पी एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कैसे सॉल्व होगा। लिख ली क्वेश्चन, चलिए क्या पूछ रहा है। आपको एक वेसल दिया जिसका वॉल्यूम है
टोटल वॉल्यूम दिया होगा ना वी, वेसल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम यानी कि वी इक्वल टू 0.04 मीटर क्यूब. कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम. तो ये जो मिक्सचर है किसका, सैचुरेटेड वाटर और मिक्सचर यानी कि वाटर यानी कि लिक्विड, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है. ठीक है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है. कितने पे, एट टी इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो भी लिक्विड और जो वाटर हम क्या है, सैचुरेटेड है, यानी कि सैचुरेशन रीजन की बात कर रहे हैं. लिख दिया सैचुरेटेड स्टीम एंड सैचुरेटेड वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस. द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द वेसल इज, तो मास ऑफ द लिक्विड कितना है, मास ऑफ द लिक्विड आपको दे दिया है 9 kg. मास ऑफ द लिक्विड दे दिया 9 kg. अब 9 kg आपको मालूम है. देन यू हैव टू फाइंड द प्रेशर, मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी. ये सब फाइंड आउट करना आपको. तो आपको पता कि सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में यानी कि आपका जो ये पॉइंट होगा आपका, हाँ लाइक करेगा आपका टीएफ डायग्राम में, ये डोम हो गया, ये ऐसे कुछ होगा आपका किसी भी कांस्टेंट प्रेशर के लिए. तो यहाँ पे प्रेशर क्या कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, रीजन पे दिया है स्टेडी स्टेट पे. तो सैचुरेशन रीजन यानी कि यहाँ पर कहीं आपका ये लाई कर रहा है, इस रीजन में कहीं लाई कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको दे दिया है कि प्रेशर कितना है, सॉरी टेम्परेचर दे दिया, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर आपको गिवन है, कितना है 250. अगर जो लिक्विड और वेपर का जो कंडीशन हो गया सैचुरेटेड कंडीशन है, तो सैचुरेटेड कंडीशन में कहाँ पे लाई करेंगे, इसी पॉइंट पे. और इस पॉइंट पे लाई करेंगे तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हो क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर. ये होगा सैचुरेशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग अब जो प्रेशर होगा वो इसका सैचुरेशन प्रेशर. यहाँ पे ये प्रेशर लाइन हो जाएगी. तो अब देखना है कि आपको क्या निकालना, सबसे पहले फाइंड आउट करना प्रेशर. प्रेशर क्या हो जाएगा, अब इस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर होगा वही हो जाएगा आपका प्रेशर. तो क्या करेंगे, इस टेबल में देखेंगे, टेबल में कहां पर देखेंगे, सैचुरेशन टेबल में, सैचुरेशन टेबल में कौन सा वाला देखेंगे, जो आपका टेम्परेचर वाला है, क्योंकि आपको क्या पता है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर वाले में देखेंगे, तो टेम्परेचर वाले में देखेंगे कितना 250 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस करेस्पॉन्डिंग प्रेशर देखेंगे कितना है 3976.2 किलो पास्कल, 3976.2 किलो पास्कल. इसको लिखिए P इक्वल टू फ्रॉम स्टीम टेबल corresponding to the temperature 250 degree Celsius saturation pressure is कितना है 3976.2 किसमें, यूनिट क्या था इसका, किलो पास्कल में था, किलो पास्कल. ये होगा प्रेशर. ठीक है, अब इस रीजन में देखेंगे, ये सैचुरेशन रीजन है. अब आपको ये पॉइंट अभी नहीं मिला, अभी आपको ये रीजन मिला केवल ना, किस रीजन में है आपका. लेकिन इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो अब आपको पॉइंट फिक्स करना है. पॉइंट कैसे फिक्स करेंगे, देखिए आपको क्या गिवन है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है. अब उस टोटल वॉल्यूम में क्या क्या, लिक्विड भी है और वेपर भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है. आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दिया ना, क्या दिया इसमें, कंडेंस मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, मास दिया, मास ऑफ द लिक्विड दिया है एमएल दिया हुआ, मास ऑफ द लिक्विड दिया है एमएल. स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड इंटू, सॉरी टोटल वॉल्यूम निकाल लो. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, आपको दिया है
टोटल वॉल्यूम अपॉन मास लिक्विड, तो टोटल वॉल्यूम कर लो, ये मास ऑफ द लिक्विड इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब पर केजी, तो क्या आ जाएगा केजी हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम कितना है और ये कितना है, तो वीएफ आप निकाल सकते हो, वीएफ क्या है मास ऑफ द लिक्विड, निकालना क्या है यहां, ये टोटल वॉल्यूम आपको दिया हुआ, टोटल वॉल्यूम आपको नीचे भी मास मास आएगा ना लिक्विड का, नीचे ये यूनिट आएगा मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब पर केजी, ये किसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड है केवल, यहाँ पर तो लिक्विड वेपर दोनों है, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कहाँ से निकाल सकते हैं, इस टेबल से, देखिए इस टेबल से वी एफ है, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी कि आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना, कहाँ से, इस वाले जो आपको इसमें दिया हुआ है, ये पूरा वॉल्यूम कितना है 0.04, तो 0.04 में देखेंगे टोटल वॉल्यूम है वी, अब इस वी में क्या होगा लिक्विड होगा और वेपर होगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेपर है, ठीक है, तो ये हम निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे यहाँ से, मास आपको दिया हुआ कितना 9 केजी, और वी एल अपॉन वी एफ, वी एफ यहाँ से देखेंगे टेबल से कितना 0.001252 यहाँ से निकल जाएगा आपका वी एल, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे वी एल, तो वी एल मिल जाएगा यहाँ से जितना भी आ रहा है आप निकाल लीजिए, कितना कैलकुलेट कीजिए, पॉइंट 0.001252 × 9 0.011 0.011 0.011 268 ये VL निकल गया। अब VG क्या आ जाएगा, यहां से VG इक्वल टू V माइनस वी एल, वी जी इक्वल टू हो जाएगा V कितना है 0.04 आपको गिवन है, VL निकाल लिया कितना 0.011268 यहां से मिल जाएगा आपको VG माइनस 0.04 तो मिल जाएगा आपको 0.0287 आ गया 32 मीटर क्यूब, किसका निकल गया आपको, ये मिल गया वेपर का टोटल वॉल्यूम। अब वेपर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वेपर का टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द वेपर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर, तो यानी कि मास ऑफ द वेपर निकल जाएगा आपका एम जी इक्वल टू वी जी अपॉन स्मॉल वी जी, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखेंगे स्टीम टेबल से टोटल वॉल्यूम, तो पहले लिख लें टोटल वॉल्यूम कितना 0.028732 अपॉन, अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये कहां से मिल जाएगा आपको स्ट्रीम टेबल से, ये वी जी यहाँ दिया हुआ, देखिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया इस वाले पॉइंट के, इधर सैचुरेशन पॉइंट पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.050085 समथिंग है ना 85
ठीक है, यहां से मिल जाएगा आपको मास ऑफ द गैस। ये हम निकाल क्यों रहे हैं, अब देखते हैं। यानी कि यहां से मिलेगा आपको मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, 0.02837732 अपॉन 0.050085, कितना 0.5736 जी। ये कितना किसका गया? अब देखिए हमें मिल गया मास ऑफ द लिक्विड एंड मास ऑफ द गैस। अब क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ड्रायनेस फ्रैक्शन। नाउ ड्रायनेस फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मास ऑफ द गैस प्लस मास ऑफ द लिक्विड। गैस मीन्स वेपर, तो मास ऑफ द वेपर कितना दिया आपको, कितना फाइंड आउट कर लिया, 0.5736 अपॉन 0.5736 प्लस मास ऑफ लिक्विड कितना है 9। यहां से मिल जाएगा आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन प्लस 9 डिवाइडेड बाय 0.66622 0.66628 नहीं इतना नहीं आएगा 0.05992 आप लोग थोड़ा सा, हाँ एक का सही आया थोड़ा, ये 0.06 आएगा। देखिए 0.059 तो 0.06 ठीक है सही है। 0.6 बोले तो उनका कहीं मिस्टेक थोड़ा सा पॉइंट करा गया हुआ 0.06। ये होगा ड्रायनेस फ्रैक्शन। तो ड्रायनेस फ्रैक्शन मिल गया यानी कि आपको प्रेशर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, यानी कि ये लाइन मिल गई और इस लाइन पे आपको ड्रायनेस फ्रैक्शन 0.06 बिल्कुल ये देखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के पास में होगा 0.06, यानी कि आपको वो पॉइंट मिल गया। अब वो पॉइंट मिल गया तो अब आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो सारी वैल्यूज। क्या निकालना आपको, हम निकालना है एच और एस यू वी, ये सब कुछ निकालना। अब आपको ये देखिए अगर सैचुरेशन रीजन में है तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला क्या था एच का, HF plus X HFG। बिल्कुल सही, HF plus X HFG। ये क्या हो जाएगा SF plus X SFG। ये क्या हो जाएगा UF plus X UFG। VF plus X into VFG। अब हमें HF और HFG चाहिए, X पता है, HF और HFG कहाँ से मिलेगा, उस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग एट यानी कि एट T इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस सेचुरेशन टेबल में रखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, HF मिल जाएगा, HFG मिल जाएगा, SF मिल जाएगा, SFG मिल जाएगा, UF मिल जाएगा, UFG मिल जाएगा, VF मिल जाएगा, VFG मिल जाएगा। देखिए 250 के रेस्पॉन्डिंग देखेंगे VF क्या है, ये है VG है, तो VFG क्या आ जाएगा, VG माइनस VF, दिस माइनस दिस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही UF ये है, UFG ये है, ये UFG कहां से आता है, UFG आता है UG माइनस, ये UG माइनस
यू एफ तो यही आएगा, देखिएगा आप माइनस करके देखिएगा तो यही आ जाएगा बीच वाला टेबल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दे देता ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े, जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है यू एफ जी बी एफ जी एच एफ जी तो आप डायरेक्ट टेबल से ही आप पुट करना वैल्यू, इसलिए आपको ये डिफरेंस दे देता है यू एफ जी एच एफ जी एस एफ जी। तो ये अगर नहीं भी दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से एस जी माइनस एस एफ कर सकते हैं, जी माइनस एफ कर लेंगे तो आपको एस जी मिल जाएगा। देखेंगे अगर जो कहीं भी आप चाहो तो कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू कहाँ। देखिए इसे मैं चेक कर रहा हूँ इसके लिए एंट्रोपी के लिए, तो एस जी की वैल्यू कितनी है 6.3930 इस वाले प्रेशर के, सबसे पहले वाले रूम देख रहा हूँ मैं 6.390 एस जी है, माइनस एस एफ कितना है 2.3776। देखिए 4.0154 वही हमको मिला यहाँ से डिफरेंस करने के बाद, तो टेबल में आपको वो डिफरेंस करके दिया हुआ है वैल्यू। तो डायरेक्टली आप यू एफ जी ले सकते हैं यहाँ पे, देखिए यू एफ जी यहाँ पे हो गया, एच एफ जी यहाँ पर हो गया, एस एफ जी यहाँ पर हो गया, ये सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, एच एफ की एक वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, बाकी सब आप निकाल लेंगे। एच एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच एफ की वैल्यू दी हुई है 1085.7 प्लस एक्स वैल्यू आ गई हमारे पास 0.06 प्लस एच एफ जी की वैल्यू कितनी है 1715.3। अब ये निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है, निकाला कोई 1188.618 यूनिट क्या जाएगा किलो जूल। ओके जी, ऐसे बाकी सारी वैल्यू निकालेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, देखेंगे थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, छोटा सा टॉपिक है बस, एक डिवाइस है एक तरह से, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर जो है ये एक डिवाइस है मेजर करने के लिए आपके ड्राइनेस फ्रैक्शन को। ये हम डिस्कशन में किए थे थ्रॉटलिंग प्रोसेस से पढ़े थे तब, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपको पता कि क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है बताए कोई, बताइए थ्रॉटलिंग में क्या होता है। सर फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है और एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल सही बोला आपने, बस यही याद रखना कि एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो प्रेशर एनर्जी क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रेशर इज कन्वर्टिंग, प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी। अब वो हीट कहाँ गया, वो इसके एंथैल्पी को इंक्रीज करने गया, यानी कि स्टार्टिंग में जितनी एंथैल्पी थी, तो एंथैल्पी एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, यू प्लस पी वी, पी घट रहा है यानी कि तो पी वी टर्म घटेगा, बट पी घटता है तो वी बढ़ता है, वी जो स्मॉल जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बढ़ता है, क्योंकि वो देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है और यू भी बढ़ेगा, तो पी के घटने से आपका जो बाकी दो टर्म है वो बढ़ता है, तो जो टोटल टर्म है यू प्लस पी वी वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं पर जाती नहीं है। वक्त आप जो प्रेशर रिड्यूस करते हो तो वो प्रेशर रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, वो हीट में कन्वर्ट होकर के वो एंथैल्पी को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं कि आप उसके प्रेशर को रिड्यूस करके कोई वर्क कर रहे हो या कहीं पे हीट को लॉस कर रहे हो, कुछ नहीं करते, ना हीट लॉस होता है ना ही कोई वर्क होता है, यानी कोई एनर्जी का इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, ना ही आप कहीं एनर्जी कोई सप्लाई करते हो ना ही कोई एनर्जी रिजेक्ट करते हो, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी उसी में रहती है, सब्सटेंस में रहती है, यानी कि थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो अब इसी का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक बना दिए डिवाइस थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अब वो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है आपके ड्राइनेस फ्रैक्शन को।
अब वो ड्रेनेज फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेगा उसको हम देखेंगे। इसको आप लिख रहे होंगे तो लिखते रहिए। THROTTLING throttling आपको मैं वो डिवाइस दिखा देता हूँ पहले हुआ। आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ये आपका डिवाइस देखेंगे, ये कोई पाइपलाइन है, देखिए स्टीम, वेट स्टीम है, वेट स्टीम मींस की सेज रिलेटेड, क्योंकि ये यूज करते हैं आप ड्रेनेज फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो ड्रेनेज फ्रैक्शन मींस की अगर जो वो जो भी सब्सटेंस है वो वेट रीजन में होगा तभी तो उसका कुछ ड्रेनेज फ्रैक्शन होगा, तभी तो उसको आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो कोई पाइपलाइन है, कोई पाइपलाइन है, कोई स्टीम पाइपलाइन है, जो स्टीम जनरेटर से आपका पाइपलाइन जा रहा है स्टीम टरबाइन के लिए जा रहा है, ठीक है, आपका कोई स्टीम पावर प्लांट है उसमें स्टीम की सप्लाई हो रही है फॉर द पावर जनरेशन। तो देखेंगे स्टीम पाइपलाइन, देखिए लिखा भी है मेन स्टीम पाइप फ्रॉम बॉयलर, तो ये स्टीम वेट स्टीम यानी कि कोई वेट स्टीम जा रहा है पाइपलाइन का, पाइपलाइन के थ्रू। अब आपको फाइंड आउट करना कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जो पाइपलाइन के थ्रू आप जो स्टीम को सप्लाई करते हो टर्बाइन के लिए, तो आपका बॉयलर का कहीं अलग प्लांट होता है जगह पे और आपका टर्बाइन थोड़ा सा आसपास में होगा, थोड़ा सा दूर हो सकता है, तो वहां से आपके बॉयलर से टर्बाइन के बीच में क्या लगाते हैं, पाइप लगाएंगे स्टीम को सप्लाई करने के लिए, तो उसके बीच में कुछ हीट का रिजेक्शन भी होता है, कुछ हीट का लॉस भी होता है, तो ड्यू टू द लॉस, हीट के लॉस की वजह से, फ्रिक्शन के लॉस की वजह से कुछ पाइप में फ्रिक्शन भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है वहां पर स्टीम का कंडेंसेशन होता है। तो आपको अगर फाइंड आउट करना कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका ड्रेनेज फ्रिक्शन कितना, तो वहां पर लगा दिया आपने ये कैलोरीमीटर, देखेंगे यहां से कैलोरीमीटर के थ्रू क्या था आपका ये P1 प्रेशर पे आपका स्टीम सप्लाई हो रहा है इस कैलोरीमीटर को देखेंगे, और ये यहाँ पर एक्सपेंड होगा, यहाँ पे आपका लगा थर्मोमीटर इन पॉकेट फील्ड, ये थर्मोमीटर है, यहाँ पर प्रेशर P2, ये प्रेशर P2, तो ये प्रेशर P2 क्या है, ये है प्रेशर P2 मीन उसको एक्सपेंड करवाना, तो यहाँ पे क्या करवाना, एक्सपेंड करवा रहे हैं यानी कि एक्सपेंड होगा तो इसका प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर देखिए, प्रेशर तो मेजर कर सकते हैं इजिली, प्रेशर मेजर करने के लिए आपके पास डिवाइस होता है प्रेशर गेज, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास होता है थर्मामीटर, लेकिन ड्रेनेज फ्रैक्शन मेजर करने के लिए ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, तो ये एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ मीन ये थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का एक जुगाड़ है, इन दोनों के हेल्प से यानी कि प्रेशर गेज और टेम्परेचर यानी थर्मामीटर के हेल्प से आप फाइंड आउट कर रहे हो किसको, इन ये ड्रेनेज फ्रैक्शन को। तो एट पॉइंट वन आपको प्रेशर वन मालूम है P1 और T1, तो उसके करेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड स्ट्रीम है तो उसके करेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वही होगा यहाँ पे टेम्परेचर, तो वो तो मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, तो P1 देखिए यहाँ पे मेजर कर लिया। फिर ये एक्सपेंड होने के बाद ये एक्सपेंड करवाना, इसको एक्सपेंड करेगा यानी कि इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इसका डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर बनाया मोलिया डायग्राम, मोलिया डायग्राम यानी कि HS डायग्राम बनाया, HS डायग्राम बनाया यहाँ पे, HS डायग्राम जो बना है देखेंगे, अब HS डायग्राम क्या हो रहा है यहाँ पर, HS डायग्राम यहाँ पे, अब HS अगर जो एक्सपेंड होगा तो उसकी इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट ही है, इंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट ही है, लेकिन ये जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसे इन्होंने बोला था ड्यू टू द फ्रिक्शन मींस की फ्रिक्शन अगर है तो उस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी है, और ये हाईली इरिवर्सिबल है क्योंकि वक्त तो कुछ कर ही नहीं रहे, टोटल और टोटल फ्रिक्शन ही है उसमें, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या होगा वहां पे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी क्या घटेगा या बढ़ेगा,
एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा सिस्टम में अगर जो इरिवर्सिबिलिटी है, तो एंट्रोपी घटेगा या बढ़ेगा बताइए। कहां से हो गए सब? देखिए अब इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबिलिटी से क्या होगा, एंट्रोपी जनरेट होगा। एस इक्वल टू देखे थे डेल क्यू टी प्लस एस जनरेशन। जब एंट्रोपी जनरेट होगी तो जो आपका डेल एस वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एस टू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एस टू यहाँ पे ज्यादा होगा। देखिए डायग्राम से आपको देख भी रहा है, एच एस डायग्राम। तो इंथैल्पी क्या, इंथैल्पी कॉन्स्टेंट है बट एंट्रोपी क्या आ रही है, बढ़ रही है। तो एंट्रोपी तब तक आपको बढ़ाना है, यानी कि इसका तब तक एक्सपेंशन करना है कि जब तक कि ये सुपर हीटेड रीजन में ना पहुंच जाए। तो सुपर हीटेड रीजन पहुंच जाएगा तो सुपर हीटेड रीजन में अब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? यस सर। तो देखेंगे अभी इस रीजन जब तक रहेगा, ये सैचुरेटेड रीजन जब तक रहेगा, तब तक प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है। जैसे ही ये सुपर हीटेड रीजन में जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट देखिए यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेजर करना। तो उस प्रेशर पे पी टू पे जब देखेंगे कि एक्सपेंशन करने के बाद, तब तक एक्सपेंशन कर रहे हैं जब तक कि पूरे के पूरे वेपर कन्वर्ट, पूरे के पूरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में हो जाएगा, यानी कि आपके पास केवल वेपर ही रहेगा। अब वेपर थोड़ा सा और इस पॉइंट तक आओगे तो सेचुरेटेड वेपर, उसके बाद और थोड़ा सा एक्सपेंशन किए तो सुपर हीटेड वेपर आपको मिलेगा। तो उस पॉइंट पर, सुपर हीटेड पॉइंट पे आपको क्या मेजर करना, प्रेशर पी टू और टेम्परेचर टी टू। अब सुपर हीटेड रीजन में आपको पता है कि आपके पास क्या है, स्टीम टेबल। स्टीम टेबल आपको पता है, यानी कि स्टीम टेबल से आप उस पी टू और टी टू पे, यानी कहाँ पे, सुपर हीटेड रीजन में, सुपर हीटेड रीजन में आप पी टू और टी टू पर क्या निकालोगे, इंथैल्पी। इंथैल्पी मिल जाएगा, देखिए इंथैल्पी सब जगह पे है, हर एक प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको मिला हुआ है यहाँ पे इंथैल्पी। तो इंथैल्पी अगर जो वहां पे मिल जा रही है, एच टू, एच टू मिल गया तो वही एच वन भी होगा, वही एच वन भी जाएगा, एच टू इक्वल टू एच वन। अब एच वन मिल गया तो एच वन के लिए क्या लगा देंगे फॉर्मूला, यानी एच इक्वल टू क्या था, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अब आपको क्या पता था, पहले पी वन पता था, उस P1 पे उस प्रेशर करेस्पॉन्डिंग आपको सेचुरेशन रीजन में मिल जाएगा, सेचुरेशन रीजन में उस P के करेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा H। देखिए प्रेशर लाइन है ये, इस प्रेशर करेस्पॉन्डिंग HF और HFG दोनों मिल जाएगा। तो HF और HFG इस टेबल से मिल जाएगा, और H टोटल आपको मिल गया सुपर हीटेड रीजन से, तो मिल जाएगा आपको S, ड्रेनेज फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं। तो ये है ड्रेनेज फ्रैक्शन निकालने का जुगाड़, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, एच वन इक्वल टू एच टू। ये प्रेशर लाइन है, ठीक है, पी वन पी टू पी थ्री, आप मान ली पी टू है ये, तो पी वन, पी वन अब प्रेशर क्या घटते हैं, पी वन इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री। ये पॉइंट नंबर आपका है वन, ये पॉइंट नंबर आपका है टू। क्या किया, थ्रॉटलिंग। ये कौन सा डायग्राम है, एच एस डायग्राम। एच वन इक्वल टू एच टू हो जाएगा, तो एच वन इक्वल टू एच टू हो गया, मीन्स कि एच टू जो है वो फंक्शन किसका है, यहाँ पर देखेंगे पी आपको पता है और टी भी पता चलेगा। तो एच टू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से निकाल लेंगे आप एच टू इन सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन में ये इंथैल्पी निकाल लेंगे एच टू, एच टू मिल गया एच वन, एच वन इक्वल टू क्या, एच वन इक्वल टू सिंस पॉइंट वन, सिंस पॉइंट वन इज इन सेचुरेशन रीजन, एच वन इक्वल टू क्या जाएगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, सिंस पॉइंट टू इज इन सुपर हीटेड रीजन। ये सुपर हीटेड रीजन में अगर पॉइंट नंबर टू है, देन
we can find the enthalpy at point 2 at respective temperature and pressure from the superheated steam table H1 equal to H2 H2 मिल गया आपको स्टीम टेबल से और स्टीम टेबल से H1 क्या मिल जाएगा HF और HFG मिल जाएगा तो देन वी कैन फाइंड आउट दी X X क्या हो जाएगा H1 क्या हो गया HF1 plus X1 HFG1 equal to H2 यानी कि X1 equal to हो जाएगा H2 minus HF1 upon HFG1 अब ये तीनों वैल्यू H2, HF1, HFG1 ये तीनों वैल्यू कहां से मिलेंगे आपके स्टीम टेबल से ये स्टीम टेबल से वैल्यू मिल जाएगी तो आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे यहां तक किसी कोई डाउट है नो सर नो सर हो तो पूछ लो कुछ इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि आता है नहीं आता नहीं आता तो सीखने के लिए क्लास में हो अगर आता तो क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है ना नहीं आ रहा क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना लर्निंग फेज में हो तो लर्निंग के लिए क्लास में हो चलिए अगर हो गया तो फिर क्लास को यही एंड करते हैं तो आपका ये मोस्टली प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हो गया अब थोड़े से कुछ और रिलेशन बचे हुए हैं वो भी आपके नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएंगे तो किसी कोई डाउट पूछ सकता है अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू सर